दर्शक बंधु सांप्रतिक विश्व एक टेक्नोलोजी युग एथिरे व्यापक टेक्नोलोजिकल डेवलपमेंट नै सांप्रतिक विश्व रे अनेक देश एबे अग्रगति करिसेंति। टेक्नोलोजी रो एही विराट समूह आज विश्व को आकाश मार्ग रे पृथ्वी पृष्ठ रे एवं समुद्र रो गभीरता भीतर को नै जाई नुआ नुआ तथ्य नुआ नुआ ज्ञान आहरण तथा देश सुरक्षा रे देशर आर्थिक उन्नति रे एही टेक्नोलोजी एबे व्यापक एवं सक्षमता देशकु जोगैछि। भारत इतिमध्यरे जो टेक्नोलोजी रो विकास कथा चिंता करूथला एबे आउ एक पद आगे जाइछि। एबे एमिति एक चांचल्यकर खबर मिलिछि जहा अन्य देश मानंकु हुए तो असुखी करि पारे किंतु भारत दृष्टिकोणरु एहा अत्यंत महत्वपूर्ण। इसरो एबे एमिति एक कैप्सूल तयारी करिछि जहा गभीरतम समुद्र भितर को जाई ठाब करि परिबो प्रकृतरे एही भूपृष्ठरे रहछि कोन। इसरोर एही कैप्सूल रो निर्माण दिगरे भारत प्राय 4,077 कोटी टंका खर्च करिछि। एहाकु डीप ओशियन माइंस बोली ना दिया जाइछि। आकाश मार्ग रे जेमिति रॉकेट जाए सेमिति समुद्र भितर को एक कैप्सूल जाई एठारे थिबा खनिज पदार्थर संधान करिबो। एभली कि व्यापक दक्षिण हिंद महासागर रे प्राय 75,000 स्क्वायर किलोमीटर भितरे भारत एही परीक्षण करबाकु जाउछि। दक्षिण चीन सागर रे चीन आदि एते निजकु बलिष्ठ करिबार कारण होला एहा भितरे लुचि रहिथिबा लक्ष लक्ष कोटि टंकार खनिज पदार्थ तथा नेचुरल गैस पेट्रोलियम रो संधान। एथिपई दक्षिण चीन सागर रे चीन अन्य केउ देश को भितरे पसिबा पई देउ नाहंती कारण तीन भलकरी जानिची कि एही समुद्र भितरे जो अपूर्व एवं अपार भंडार लुचि रहिची एहा आगामी दिन रे चीन रो अर्थनीति को सुदृढ़ करिबा पई अनेक प्रकार रो सहयोग करिबो। भारत अपातत एबे एही अनुसंधान रे निजकु नियोजित करिची। दक्षिण हिंद महासागर रो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर भितरे इसरो रो एही कैप्सूल भारत पई आनिदबो खनिज पदार्थर नुआ नुआ तथ्य एवं ज्ञान। सबुठ बड़ कथा हला भारत एथि पूर्वर जे चेष्टा करिनथिला ए कथा नुह। एथि पूर्वर एही टेक्नोलोजी पई भारत अमेरिका रो द्वारस्थ होइथिला। अमेरिका मना करबा परे जापान रो मध्य द्वारस्थ होइथिला। डीप ओशियन माइंस रो एही टेक्नोलोजी पई जापान मध्य मना करि दैथिला। एहा परे अनेक प्रकार रो चेष्टा एवं प्रचेष्टा फल रे एबे जणा पड़िछि कि रशियन चैनल आगे आसिकि इसरो सह भारत को एही सफलता देबा पई। रशियन चैनल थ्रू रु एही टेक्नोलोजी इसरो द्वारा विकसित हुई डीप ओशियन माइंस रो एबे जो कार्य भारत करबाकु जाउछि एथिरे व्यापक देश चकित होई जाइथिले मध्य भारत एबे एहाकु खूब शीघ्र करबाकु जाउछि बोली जणा पड़िछि। अन्य एक खबर मध्य रहिछि जहाँ अमेरिका एवं चीन को मध्य असुखी करि पारे कारण एही मासरे निकटरे दुईटी मिसाइल रो परीक्षण रो संभावना रहिछि बोली आकलन करा जाउछि। हाइपरसोनिक मिसाइल अथवा निर्भया मिसाइल तबे बे बंगाल बा बंगोपसागर रे भारत एक उड़ाण को मना करिछि एवं एही वायुसीमा को लॉक करबा पई भारत समस्तंकु जणाई दैछि। तेनु बंगोपसागर रे बंगोप खाड़ी रे भारत वायुसीमा को लॉक करिवार कारण होउछि निर्दिष्ट भाबरे किछि परीक्षण करबा। आशा करा जाउछि कि हाइपरसोनिक मिसाइल नटेट निर्भया मिसाइल को एठारे परीक्षण करा जिवो। गला वर्ष मध्य एही बंगोपसागर रे परीक्षण होइथिला मिसाइल रो। एबे एही दुईटी मध्यरु जेकोनोसिटी मध्य परीक्षण होबार संभावना देखा दैछि। तबे 23 जून भितरे एही लॉक सीमा रो अवधारित समय सीमा रहिथिबा बळे एठारे केउ मिसाइल परीक्षण होबो बा भारत कोन परीक्षण करबाकु जाउछि एहा अपातत सामना को आसी नथिले मध्य निर्दिष्ट भाबरे किछि गोटिए बड़ परीक्षण होबाकु जाउछि ए कथा जणा पडुछि एवं एहा अमेरिका को असुखी लागिले मध्य चीन को एहा चिंता रे पकाई पारे। यदि हाइपरसोनिक मिसाइल भारत परीक्षण करे ताहाले एहा चीन रो चिंता को बढ़ाई देबो कारण चीन एबे चिंता करुछि कि भारत को हैंडल करिवो केमिति। सीमारे जेते चेष्टा कले मध्य चीन सफल होई पर नहि। अंतरजातीय मंच रे भारत को बदनाम करबा पई चेष्टा कले मध्य चीन विफल होउछि एवं द्वितीय रे चीन को सुविधा देखि भारत सरकार आर्थिक मोर्चा रे मध्य एमिति झटका देउछन्ति जहा चीन को चिंता रे पकाइ दिछि। तेनु एभै क्षेत्र रे भारत रो मिसाइल परीक्षण मध्य चीन पई आउ एक आह्वान बोली जणा पड़ी। सेपटे सबुठ बड़ कथा हला वैक्सीन को नहीं भारत प्रथम लहर रे पाख पड़ोसी को वैक्सीन देइथिला। ए क्षेत्र रे नेपाल को मध्य भारत वैक्सीन देइथिला। एहा परे परे नेपाल भारत ठारु 2 मिलियन डोज रो वैक्सीन मध्य किनिथिला एवं जहार दाम 2 डोज प्रति 593 टंका रहिथिला किंतु एबे
ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ନେପାଳକୁ ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇପାରିନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ଶୁଣାଯାଉଛି କି କେପିଏଲୁ ଶର୍ମା ସିଧାସଳଖ ଏବେ ଚୀନରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ବିଧେୟକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଚୀନ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବ ଏହାର ଦାମ କୌଣସି ହାଲରେ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସମର୍ଥିତ ସୂତ୍ରରୁ ଏହା 1400 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ଚିନି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ କେତେ ଦାମରେ କିଣୁଛନ୍ତି ଏକଥା ପ୍ରଘଟ କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେପି ଓଲି ଶର୍ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ମୋହ ଛାଡ଼ିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଚାଲି ନେପାଳ ଏବଂ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରହିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଘରେ ଟେନସନ୍, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ୍, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।